आप सबका धन्यवाद कि आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पे हमारी बात सुनने का समय निकाला और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आप आए। आज आप जैसे जानते हैं कि देश का युवा सड़कों पे बहुत रोष है और सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है देश के कोने कोने में। सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से अपना समर्थन, जो युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं और देश के युवाओं से, मगर साथ में ये आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता ही लोकतंत्र में कोई अपने बात, कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी मांग रखने का कोई रास्ता है तो वो शांति संयम का ही रास्ता है और उस रास्ते पे देश का युवा रहे, ये हम आग्रह करते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही राष्ट्र हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के हित में है। ये योजना सरकार क्या सोच के लाई है, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला कर देती है और बाद में पछताती है और फैसले से पीछे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन के समय यही बात आई थी, जीएसटी कैसे लान फान में लागू किया गया, घंटी बजाकर उस समय ये बात आई थी। किसान आंदोलन के समय वो बात आई थी, तीन कानून ले आए गए, बाद में सरकार को वापस लेने पड़ा। और अब ये इतना बड़ा बदलाव देश की सैन्य सेना बलों के लिए सरकार बिना सोचे समझे लाई, ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं मुख्य रूप से चार बिंदुओं पे कि ये वापस हमारी पहले कि भाई ये वापस क्यों हो, ये ऐसी हमारी मांग क्यों है और हमारी बाकी क्या मांग है, मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश भारत देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज, जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। हमारा एक इस्टैब्लिश सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का इस्टैब्लिश सिस्टम है, रेजिमेंट्स का इस्टैब्लिश सिस्टम है, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हमारी नींव है, जिसकी वजह से हमारी फौज का मनोबल दुनिया में सबसे बढ़िया है, पराक्रम दुनिया में सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो चार साल के लिए 17.5 साल में आप अंदाज़ा लगाएं, जो युवा आएंगे, पहला साल 6 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग, आज 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग को भी कम करेंगे। अगर आप किसी भी फौज से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करो तो पहला साल ट्रेनिंग और अगले दूसरा और तीसरा साल अपनी रेजिमेंट्स और टैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, तीसरे साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग
और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे, आगे जब यहां से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा, तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, बहुत सी ऐसी फौज के अंदर आर्मर्ड कोर, मिलिट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जहां पर वर्षों की ट्रेनिंग के बाद जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के काबिल सैनिक बनता है। कॉम्बैट फोर्सेस हैं, पैराट्रूपर फोर्सेस हैं, बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं, जैसे रूस की फोर्स, यहाँ पर 5 साल की ट्रेनिंग आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी के लिए 5-5 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य है। आज क्या कारण आ गया कि हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए इतना, देश की सुरक्षा से इतना हम खिलवाड़ कर रहे हैं ये योजना लाकर। और वो देश जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन के साथ हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ऐसे देश में आप जानते हैं चीन की हमसे लगभग 1.5 से 2 गुना हमसे फौज है संख्या के आधार पर। आज ऐसे समय में ये जो योजना लेके आए हैं, इससे फौज, जैसे मैंने कहा कि फौज में एक और कमी बताता हूँ, फौज में क्या कमी आएगी। एक रेजिमेंट सिस्टम है, निशान, नाम, नमक, वफादारी, लॉयल्टी, कैमेडरी, ये और अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किए हुए प्रिंसिपल्स हैं। धीरे धीरे जब 4 साल के का सफ़र तय करते हुए 75% फौज से 21 और 22 साल में अलविदा कह दिया जाएगा, तो धीरे धीरे रेजिमेंटल सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि आज हमारी फौज का फाउंडिंग प्रिंसिपल है। उससे खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो भी मैं समझता हूँ घातक साबित होगा। राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ एक पहलू राष्ट्र सुरक्षा का है। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी ये घातक है, ये नौजवानों के भविष्य के लिए भी घातक है, ये जो योजना आई है, तभी देश में इतना रोष पनप रहा है। आप पूछेंगे कैसे घातक है, मैं क्या आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का गरीब, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, छोटे शहरों में जहाँ पर बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है, कंपटीशन और प्राइवेट सेक्टर में बुलंदी पे पहुँचने के लिए क्षमता है, लेकिन संस्थान नहीं है, इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान, वहाँ पर वहाँ का युवा किसी से कम नहीं है, किसी से कम काबिल नहीं है, और उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना सबसे ज़्यादा है, और वो राष्ट्रभक्ति की भावना में, क्योंकि शारीरिक रूप से वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए अगर स्कूलों की क्वालिटी अगर कम भी है तो बाधा नहीं है, वो शारीरिक रूप से प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर मैदान में जाता है, तैयारी करता है कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलने का अगर एक रास्ता है और देश की सेवा करने का एक रास्ता है तो फौज में जाने का रास्ता है। आज उस नौजवान की देश के प्रति उस भावना का भी अपमान सरकार ने इस योजना को लाके किया है, इसीलिए देश का नौजवान में इतना रोष
देश के नौजवान में इसलिए इतना रोष है कि आप 12वीं क्लास के बाद फौज में ले जाएंगे 4 साल के लिए, ना वो ग्रेजुएशन कर सकता ना इंजीनियरिंग कर सकता, 4 साल के बाद बाहर निकलेगा। आपने उससे वो भी जरिया छीन लिया, ग्रेजुएशन का भी जरिया छीन लिया, इंजीनियरिंग का भी जरिया छीन लिया। ये असुरक्षा देश के नौजवान के भविष्य को असुरक्षित करके आपने छोड़ दिया, जिससे आप देश की सुरक्षा के लिए जिससे बलिदान चाहते हैं उसके भविष्य को आपने असुरक्षित छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है। वायदा था इनका, जिस वायदे के आधार पर आए थे, हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री जी ने 2014 का अपना चुनाव का बिगुल बजाया था, रेवाड़ी की पावन धरा से, वीरभूमि से, हरियाणा वीरभूमि जहाँ से मैं आता हूँ, देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से, वहाँ से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था, वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं में और किस लिए रोष है? 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक ओर रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही है। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा आनंद फानन में, बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वैकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने, तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में, 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है, 3 साल से कम की छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों की के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं, इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीज़ों को नहीं मानते, विदेशों को ज़्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़, वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इसराइल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहाँ पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इसराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में,
और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, वहां पे आपको चार साल में तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की आप सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये इसराइल से कहाँ से ले आए, पहले अमेरिका से ले आए थे, किसान किसानी के कानून नियम अमेरिका के आधार पे बनाएंगे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ रहे, भारतवर्ष की संस्कृति को क्यों नहीं समझ रहे, यहाँ पे नौजवान के दिल में क्या आशा आकांक्षा है उनको क्यों नहीं समझ रहे, प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ। तो ना तो ये हमारे युवाओं के भविष्य के हक में, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हक में, ना राष्ट्र के हक में। और इसके साथ साथ अब मैं राजनीतिक बात पे भी आता हूँ, जो एजिटेशन चल रही है, ये क्यों लेके आए, ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो इनका वायदा था जिसमें विफल हो गए, और देश में आज देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये उस अपने वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं मगर उसमें विफल हो गए, तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। 10 लाख नकली ख्वाब दिखा रहे हैं रोजगार देने का, जैसे 2 करोड़ का जुमला था रोजगार हर साल का, 10 लाख नहीं, जो 2 लाख, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया गया था कि 2 लाख रिक्त स्थान है सेना में, आप 2 लाख असली रोजगार देने का काम करें, वो भर्ती करें, हमारी मांग है, वो भर्ती प्रक्रिया तुरंत लागू होनी चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, कितना बड़ा, कितना ये गहरा घाव देश के नौजवान के दिल में इन्होंने किया है, इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। देश के कोने कोने में रोष प्रकट तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ तक कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन में आकर अपने आत्महत्या तक के भी दुर्भाग्यपूर्ण कदम बहुत से नौजवानों ने उठाए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं नौजवानों से कि संयम रखें, हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी, भर्ती खुलेगी इस देश में, जैसा आप चाहते हैं वैसी भर्ती खुलेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भिवानी के, हरियाणा के भिवानी के एक गाँव तालू के अंदर एक नौजवान ने अपने आप को एक अपना स्वयं का जीवन लेने का दुर्भाग्य काम, दुर्भाग्यपूर्ण काम किया, और लिखा अपने सुसाइड नोट में, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले में जरूर बनूंगा, ये भावना थी। और जब ये बात आई तो हरियाणा के भाजपा और सत्ता दल के वरिष्ठ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया कि शायद काबिल नहीं होंगे। मैं ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनके घर गया, ये वो ऐसा नौजवान था जो हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट था, ऐसे ऐसे काबिल नौजवान ओवरएज हो गया। सरकार हट अपने हट से पीछे नहीं हट रही, सेना की भर्ती नहीं खोल रही, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोल रही, इस तरह की योजनाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे नौजवान ओवरएज हो गए, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में, तालू गांव भिवानी। कल सचिन लाठर लजवाना गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट भिवानी, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, रोहतक में पीजी हॉस्टल के अंदर कल सुसाइड से पहले अपनी बहन को टेलीफोन किया, कहा फौजी नहीं बन पाऊंगा, फौजी नहीं बन पाऊंगा कह के रोने लगा।
और अपनी जान दे दी। और ये यही लड़का है सचिन लाठर, मैं इनका भी बता दूं, कोई कहे कि इनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाए, आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, डिप्रेशन में। और मैं एक और बताऊं, ये जो सचिन लाठर हैं, क्योंकि इनका गांव मेरे गांव के नज़दीक पड़ता है, और ये कल की बात है, मैं अभी जा भी नहीं पाया, मैं जाऊंगा इसके बाद, 10वीं क्लास में 98% मार्क्स, 10th में इसके 98% मार्क्स थे, BCA भी कर रहा था साथ में, मगर आर्मी में देशभक्ति की भावना होना इस देश में गुनाह हो गया, देशभक्ति की भावना होना इस देश में ऐसा लगता है कि गुनाह हो गया, इस सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार ये कमर्शियल, ये सोचते हैं कि कमर्शियल कारणों की वजह से लोग फौज में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, आगे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे फौज को चलाएंगे, देश की सुरक्षा, देश की फौज और देशभक्ति की भावना में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होता, ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देश की सरकार से कहना चाहता हूँ। ये हमारे जो 4 मैंने कहा कि मुख्य पॉइंट थे, इसके साथ साथ अब मैं डिमांड, जो हमारी डिमांड है, तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, हम सरकार से ये मांग करते हैं, अविलंब सरकार से हम मांग करते हैं कि 3 साल की छूट दी जाए, जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई, 3 साल की छूट दी जाए, 3 साल से कम की छूट स्वीकार्य नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये सारे मामले आए जिसमें दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा कदम उठाना पड़ा, किसी नौजवान को जो कि ओवर एज होने की वजह से, काबिल नौजवान जो डिप्रेशन के शिकार हुए और घर के चिराग बुझ गए, किसी का घर का चिराग बुझता है तो कितना दर्द होता है आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इनके परिवारों को कुछ ना कुछ सांत्वना के तौर पर कुछ ना कुछ मुआवजा सरकार दे, और सरकार, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार माफ़ी मांगे देश के नौजवान से, सरकार माफ़ी मांगे, हम मांग करते हैं सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि बार बार हमारे अनुरोध के बावजूद संसद में कई बार तो मैंने स्वयं ये बात उठाई, 3 साल से भर्ती नहीं खुली, सरकार माफ़ी मांगे कि इतने गंभीर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इतने गंभीर मुद्दे को इतना हल्के में सरकार ने लेकर, और ऐसी हल्की नीति सरकार लेके आई, इसको हम हल्की नीति करार करते हैं, सरकार देश के नौजवान से माफ़ी मांगे, इसको वापस ले, इसे माफ़ी मांगे। और ये भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र 18 जुलाई से बुलाया गया है, या तो विशेष सत्र बुलाया जाए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भर्ती के मामले में, नौजवान की जो भर्तियां जिस तरीके से पेंडिंग है, इन मामले में या तो विशेष चर्चा हो या स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, ये जो नीति लेके आई गई है इसमें कोई स्थायी समिति, रक्षा के, रक्षा मंत्रालय के से जुड़ी हुई जो स्थायी समिति है, संसदीय समिति, उसमें भी ये इस बात का कोई आकलन नहीं किया गया है, या उस स्टैंडिंग कमेटी को ये 18 जुलाई तक उसमें इस बात पर डिस्कशन हो, और जब संसद जब शुरू होती है तो इस पर व्यापक चर्चा हो, ताकि राजनीति से ऊपर उठ के लोग अपनी बात करें। आखिरी में मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा, आप राजनीति करें, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, आप राजनीति करें, आप हर विषय पे राजनीति करें, लेकिन आप बराए मेहरबानी फौज पे राजनीति ना करें, देश की सुरक्षा और फौज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रनीति होनी चाहिए, राजनीति का अर्थ
जिस बात पूरे राष्ट्र को कॉन्फिडेंस में लेकर सहमति बनाकर, क्योंकि इस देश की सुरक्षा में जब कोई अपनी शहादत देता है बॉर्डर पे, तो ये नहीं देखा जाता वो कौन से राजनीतिक दल का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, कौन सी भाषा भूषा का है, वो एक होके देश के लिए लड़ता है। तो देश की फौज में कम से कम के विषयों पे आप राजनीति ना करें। विद दैट आई विल कंक्लूड। वी डिमांड, इन कंक्लूजन वी डिमांड दैट अग्निपथ योजना शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट स्कीम इज नीदर इन फेवर ऑफ आर नेशनल सिक्योरिटी नॉर इट इज़ इन फेवर ऑफ सिक्योर द फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ आर यंगस्टर्स नॉर इट इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट। इमीडिएटली दिस इज़ अ स्कीम विच इज़ नॉट सूटेड टू इंडियन आर्मी, दिस इज़ अ स्कीम विच इज़ नॉट सूटेड टू द इंडियन नेशन, एंड दिस इज़ अ स्कीम विच इज़ अटरली नॉट सूटेड टू द इंडियन यूथ। सो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक बैक दिस स्कीम। Government should provide 3-year relaxation in age to all the youngsters who are preparing for the armed forces, because for last 3 years no recruitment has taken place, no recruitment rally has taken place. The 2 years announced by the defense minister is inadequate, and we demand that the government should apologize to the youth of this country why for the last 3 years no recruitment has not taken place in the army, and how the government brought about such a not at all thought about policy in such a light manner without taking into the confidence the parliament, let alone the parliament, the standing committee on defense or any of the other political parties. We urge that as far as the BJP is concerned and this government is concerned, they are free to do politics in every other thing which they do, but they should not resort to doing politics in the matters of Indian defense and defense forces. Rajniti kariye magar fauj mein rashtriniti hi rakhiye, aisi hamari mang. Ab aapke koi prashn ho to aapke prashnon ke hum uttar denge. Dekhiye, jaise humne shuru mein kaha ki desh ke yuvaon se hum aagrah karte hain ki desh ka yuva संयम रखे, लोकतंत्र और संविधान जिस देश में हो वहाँ पर अपनी बात, अपनी मांग को सरकार को उसके आगे झुकाने के लिए अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, जिसके बहुत उदाहरण हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा के रास्ते पर रही, और किसान आंदोलन, मैं इससे जुड़ी हुई एक और बात कहना चाहता हूँ, किसान आंदोलन बहुत बड़ा उदाहरण है। 1 साल तक किसान बैठा रहा, लेकिन संयम से और शांति से, इसीलिए उनकी जीत हुई। मैं ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक जुड़ी हुई बात, किसान आंदोलन में सरकार ने 700 से ज़्यादा किसानों के जान कुर्बान होने के बाद अपना फैसला वापस लिया था। 700 घरों के चिराग बुझ गए थे, मैं उनके भी एक एक परिवार में गया था। मैं आपको बहुत से परिवारों की परिस्थितियाँ बता सकता हूँ, लेकिन आज वो विषय नहीं है। लेकिन सरकार को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि अब अविलंब आप ये फैसला वापस ले लीजिए, कहीं वैसी परिस्थिति ना बने। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, कई मामले अभी सामने आ रहे हैं, कई नौजवान दुर्भाग्यपूर्ण कि अपनी जान लेने की तरफ कई नौजवानों ने कदम उड़ाए बढ़ाए हैं, और उन नौजवानों को भी हम कहना चाहते हैं, देश के नौजवानों को, कि आप कितनी मुश्किल परिस्थिति उनको दिखती हो, इस फैसले से उनका उनके दिलों में कितना ही बड़ा घाव इस सरकार ने किया हो, लेकिन संयम रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं और संयम रखें। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, नौजवान स्वयं अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन में झुकना पड़ा, लेकिन सरकार उस तरह की देरी ना करे, ये सरकार के लिए हमारी चेतावनी। मैंने आपको ये जो आपके अभी मैंने पढ़ के सुनाए, ये जो फौज के सबसे जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनकी
उनसे ही मंत्रणा करके मैंने आपको बताया, ये केवल इन्फेंट्री नहीं, चार साल के लिए इन्फेंट्री नहीं, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, पैराट्रूपर्स, ये ऐसे फौज में इनकी पाँच पाँच साल की ट्रेनिंग है रूस जैसी फौज के अंदर, बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैंडल करने के लिए परिपक्वता आती है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है फौज की, फौज से जुड़ी हुई बात, हमारी फौज में जोश और होश का एक बैलेंस है, इसीलिए हिंदुस्तान की देश की फौज की साख दुनिया में मानी गई है। ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना, इसको आप उधेड़ सकते हैं एक दिन में मगर इसको बुन नहीं सकते एक दिन में। ये सरकार, इस सरकार ने जिस तरीके से ये कार्रवाई करी है, उस बैलेंस को, जोश और होश के बैलेंस को भी सरकार ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। दूसरे देशों, मैंने जैसे कहा कि इनको एक बीमारी हो गई है, विदेशों में कुछ कोई बता देता है तो उसकी हिंदुस्तान में लाके तजुर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। किसी ने बता दिया अमेरिका का कृषि कानून, जो अमेरिका का स्ट्रक्चर है, अमेरिका में कॉर्पोरेटाइजेशन है, वहाँ की अलग परिस्थिति है, वहाँ मात्र 1% आबादी कृषि पर आधारित है, हमारी 50% से ज़्यादा, मगर वो कानून ले आए, वापस हटा लगा लाने पड़े। अब इसराइल को देख लिया कि इसराइल में चार साल है तो इसराइल का उदाहरण दे रहे, इसराइल में तो 100% रोज़गार है, वहाँ की इकॉनमी ऐसी है कि कोई बेरोज़गारी है ही नहीं, तो वहाँ पे फौज में अपनी खुद की इच्छा से बहुत लोग नहीं जाना चाहते, इसीलिए सरकार ने अनिवार्य रूप से चार साल का सबका मैंडेटरी किया है। तो हर जगह की परिस्थिति अलग है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की परिस्थिति चलेगी, ये हम सरकार को बताना चाहते। अच्छा, एक बात आपसे और संबंधित मैं बता रहा, आपने कहा कि भाई बीजेपी के कई लोग बोल रहे हैं, आपने दो तीन नाम दिए, कल मैं देख रहा था कि एक जो सबसे बड़े भाजपा भक्त टीवी पे दिखाई देते हैं पिछले दिनों में, डिफेंस सेक्टर से जनरल बख्शी, कल वो भी इसके विरोध में, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सरकार अविलंब करे, जैसे किसान आंदोलन में हट पे राजहट पकड़ लिया था सरकार ने, बालहट और राजहट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये बालहट और राजहट, ये इससे सरकारें नहीं चलती, राजधर्म से सरकारें चलती हैं, संयम से सरकारें चलती हैं, लोगों की बात सुन के सरकार चलती है। तो ये सरकार इसमें बालहट या राजहट ना दिखाए, इसमें अगर हमारी नहीं तो अपनों की सुने, देशवासियों की तो सुनी नहीं रही, विपक्ष की तो सुनी रही सरकार, तो कम से कम अपने लोगों की सुने। हाँ रंजीता जी, देखिए आरएसएस के किसी व्यक्ति ने इसका समर्थन किया है, ये कोई बहुत इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है, किस दृष्टि से उन्होंने किया समर्थन। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमने जो प्रधानमंत्री जी को ये आज आगाह किया है कि वो बालहट और राजहट रखते हैं तो सारी भाजपा, सारी आरएसएस इसके समर्थन में उतरेगी, जैसे किसान आंदोलन में समर्थन में उतरे थे उन्हीं लोग, वही लोग जो सुबह तक बोलते थे किसान कानून बहुत अच्छे हैं, वही जब वापस ले लिया किसान कानून तो यूं कहते थे कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक है, किसान कानून ठीक नहीं थे इसलिए वापस ले लिए गए। तो बराए मेहरबानी सरकार, जैसे किसान आंदोलन में 700 लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी, 700 घरों के चिराग बुझ गए, इसमें लोगों का इम्तिहान ना ले सरकार, देश की भावना समझे और अपनी गलती स्वीकारे, देश से माफ़ी मांगे और इसको वापस ले। सुप्रिया जी, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस शुड बी टेकन बैक, दैट इज आवर फर्स्ट डिमांड। वंस दिस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम इज टेकन बैक, द गवर्नमेंट शुड कॉल ऑल पार्टीज, whether a special session of parliament is required to be called, government should call that, whether a all party meeting is required to be called, government should call that, and certainly the standing committee on defense should be given the task to have a open debate
कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन एंड राइजिंग अबव द पॉलिटिकल लाइन. अ फ्रैंक डिबेट ऑन इंडियाज सिक्योरिटी नीड्स एंड द करंट सिचुएशन हाउ इट हैज डेवलप्ड एज फार एज आर रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज कंसर्न. द यूथ ऑफ आर नेशन इज इन एग्नी बिकॉज फॉर लास्ट 3 years नो रिक्रूटमेंट इज टेकन प्लेस. Somebody has to answer to the youth. If the government can't give answer to the youth, who else? That is why it is a responsibility in front of all of us, and we demand. Yes, what I have said is that this government has a particular, has caught a particular bug of having great infatuation for everything coming from outside India. Anything imported, this government is in awe of anything imported. They brought farm laws from America. We said that those farm laws are not suited to Indian condition. In America, only 1% of the population is dependent on agriculture sector, and it's the corporate sector rules the roost there. In India, more than 50% are dependent on this sector. You can't force the same law. You have to think about India's situation. Similarly, now the government is saying that this has worked in Israel. I was looking at some of the videos. One of the government, Rajyavardhan Rathore, was saying Israel, it is working very well. Israel is an economy where 100% employment is there, my friend. There is no unemployment. So a lot of youngsters do not want to go to armed forces there as a matter of first choice. That is why they have made the compulsory service and a 4-year service. It's a different situation. In India, Indian youth is filled with passion to serve the nation. Youth of my state, Haryana, where every 10th soldier comes from, and youth of across the country, they are filled with the passion to serve the nation. And the employment pattern in India is such that in 75 years, because of your wrong policies, India is facing highest unemployment rate. Here the situation is totally different. Here the tested and tried system of recruitment through which a strong foundation of regiments of Indian Army is built, and on the basis of that system Indian Army is number one ranked army in the whole world on the basis of all the parameters. That tried and tested system should be tinkered with, my friend, just because you have a great infatuation of all things which are, you know, tried and tested in some other country far away. देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आर्मी के अंदर मनीष तिवारी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है सिद्धार्थ, मगर ओल्ड एज सिस्टम को आप कह रहे हैं कि मनीष जी कह रहे हैं कि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. रिफॉर्म्स हर सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की एक जगह रहती है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आप स्पेशल सेशन बुलाएं. भारतीय सुरक्षा की स्थिति वो एक तरफ चिंतनीय है. आप देखिए चीन की बॉर्डर पे क्या हो रहा है, अनसेटल्ड बॉर्डर में पाकिस्तान के क्या कदम उठ रहे हैं. तो भारतीय सुरक्षा की स्थिति और देश की जो भर्ती नीतियां हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, इन बातों को लेकर चाहे और रिफॉर्म्स की भी कोई बात हो तो चाहे वो एक विशेष सत्र बुलाना पड़े या ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी पड़े, इसमें राजनीति ना हो, राजनीति के आधार पर सर्वसम्मति बनाकर सरकार आगे बढ़े, ऐसी हमारी मांग है. हम ये नहीं कह रहे कि भाई कुछ कभी कोई फौज में कोई जो है रिफॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं, वो नहीं कह रहे हैं. हम इस पॉलिसी को गलत बता रहे हैं, इस पॉलिसी को तुरंत वापस ले. यस, see, as someone who has been part of, integral part of both the agitation on the land acquisition,
because government had to take its step back on the land acquisition, and also part of the farm agitation. What you are saying, two times government had to take its step back. You have a, that's a great question. That's a great question. Absolutely, there is a huge disconnect between the rural India and the current government. That is why on both those occasions, the farm laws and land acquisition, they brought in policies which were not in resonance with the rural India. They rejected and they had to take their steps back. And this is the third occasion. They have proved that they don't hold in high esteem the ambition of the rural India, and they'll have to play a heavy price. Is sarkar ki neetiyon se tay ho gaya ki ye grameen aanchal kisan mazdoor aur middle class ki jo aakankshaen hain aashaen hain unse dur dur tak inka koi vaasta nahi, unko kuch samajh nahi rahe sarkar, tabhi inhone land acquisition कानून लेके आए, फिर वापस लेना पड़ा, कातीन का कृषि कानून लेके आए, उनको वापस लेना पड़ा, और तभी ये अभी भर्ती की ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं। पहले किसान लड़ा था इस देश का, अब नौजवान लड़ेगा इस देश का, इस सरकार से। अजय जी, इनको तुरंत वापस लिया जाए, हमारी पहली मांग ये है, तुरंत वापस लिया जाए, सरकार तुरंत देश को, देश के सामने घोषणा घोषित करे कि इसको वापस लिया जाएगा। और ना सिर्फ हम वहाँ तक अपनी मांग को सीमित कर रहे हैं, हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार देश के नौजवानों से माफ़ी भी मांगे।